हेलो चेक, हेलो चेक। सो गाइस, अभी का सीन कुछ ऐसा है, आप मेरे को देख रहे होंगे, अभी तक आपने पहचाना नहीं होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, बट अभी आप पहचानने वाले हो। तो गेस करो गाइस, मैं कहाँ पे हूँ। बाय द वे, आप अगर मेरे ओल्ड व्यूअर हो, रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो आपको पता होगा मैं अभी कहाँ पर हूँ। मैं कल तक दिल्ली में था और मैं सडनली यहाँ पे कैसे आ गया, मैं आपके साथ पूरी कहानी शेयर करने वाला हूँ। मैं अचानक से अपने घर पे कैसे आ गया, वैसे मैं आपको बताता अगर मैं कल सडनली दिल्ली से घर क्यों आया, वो मैं आपको बताऊंगा और मैं आपके साथ कुछ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। आई एम सॉरी गाइज, मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाया, मैं अपने एरिया में, भाई मैं मोटो व्लॉग करने लायक हुई नहीं, ये समझ लो। अगर यहाँ पे मोटो व्लॉग चालू कर देना भाई, ऐसे ऐसे रिएक्शन रहते हैं ना लोगों के, बस मैं क्या बताऊँ आपको। By the way, किसी दिन रिएक्शन वाला वीडियो भी डालेंगे, अभी के लिए आप लोग काम चला लो। मैं सडनली दिल्ली से घर पे क्यों आ गया, और आपने अगर जुन्नू की टेक पर वीडियो देखा होगा, अपडेट्स वाला वीडियो मैंने बनाया था, वो मॉर्निंग में मैंने घर से ही बनाया था, तो वहां पे भी काफी सारे पर्सन कमेंट कर रहे थे, जुन्नू भाई आप इधर उधर कहीं पे भी वीडियो बना देते हो एक सेकंड में, इधर एक सेकंड में तो नहीं, मतलब एक वीडियो इस सेटअप पे, दो तीन वीडियो उस सेटअप पे। देखो भाई, सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, लोगों को दिखता है कि भाई लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, मस्त पैसा वैसा कमा रहा है, लेकिन देखने में जो है ना, रियल में वो होता नहीं है। अब लाइटिंग शायद अच्छी सी हो गई। हाँ भाई, क्या करने आया? मम्मी का। क्या लेकर आया? जूस ले गया। ये देखो भाई, मौसमी का जूस लेकर आया, मेरे लिए लेकर आया ना, अम्मी के लिए। हाँ तो गाइस, ये जूस इसलिए लेकर आया, मेरी जो अम्मी है, मेरी मदर भाई, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैं रात के अराउंड 11 बजे मैं दिल्ली से चला, और 11 बजे चलने के बाद 1 बजे तक घर, और आते हुए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लिटरली गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ड्यूक 250 की जो लाइट होती है वो ज्यादा दूर तक नहीं जाती, मतलब यहाँ से 10 मीटर तक जाएगी, और इतना आराम से बाइक चलानी पड़ी, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल रोकनी पड़ जाती थी जब सामने से लाइट लगती थी हमारे फेस पर। तो भाई ये बंदा बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी, ये मेरी अम्मी का भी ख्याल रखता है, थैंक यू भाई। वेलकम बोलना आ गया तेरे भाई। अरे मेरा मन नहीं था कि मैं आज भी व्लॉग अपलोड करूंगा, लेकिन क्या हुआ कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मेरा मन कर गया वीडियो बनाने का। मैं सोच रहा था कि यहाँ से चलूंगा तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन बिल्कुल दिल मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने आते हुए वीडियो नहीं बनाया, और इसीलिए आज मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाया। तो गाइस ये देखो भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा गिन, कितने रुपये हैं, एक बार गिन। हाँ गिन के दिखा कितने रुपये हैं, इतने फटाफट बता, बस इनको छोड़ दे, जो बच गए उनको छोड़ दे। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, कंटेंट मेरे पास रेडी है, आने वाले एक हफ्ते में क्या कंटेंट मेरे को डालना है, कितने दिन में कितनी वीडियोस अपलोड करनी है, सब कुछ रेडी है। वीडियो शूट नहीं हुए हैं, एडिट नहीं हुए हैं, बस मेरे पास कंटेंट है। बट जब भी मैं सोचता हूँ कि अब रेगुलर कर दूंगा, अब बिल्कुल रेगुलर कर दूंगा, बट फिर कुछ ना कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। बाय द वे अब से रेगुलर करने की पूरी कोशिश, और मैं इस वाले मिरर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, मैं यहाँ पे कभी कभी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बना लेता था, और ये मैंने इसीलिए लगाया था कि जिससे कि मैं रील्स वीडियो बना सकूं, बट मैं एक दो ही बनाई मैंने, बिकॉज यूट्यूब की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता। तो ये है मेरा बैग, और इसमें मैं जल्दी जल्दी में क्या क्या लेगा, एक तो 55mm लेंस, इससे काफी अच्छा यूट्यूब वीडियो शूट हो जाता है, और यहाँ पे मेरे लैपटॉप का चार्जर, और ये वैलेट जिसमें आधार कार्ड है, बस ये काफी सही लगता है मेरे को। ये वाला माइक मैंने रखा और ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इसको लेकर आने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे अपना GoPro Hero 8, आजकल ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, ये अपना लैपटॉप जिससे मैंने मॉर्निंग में एडिटिंग की थी, और ये एडिटर, क्या ले एडिटर, और एक ये वाला स्मार्टफोन, इससे मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। 1 मिलियन पे मेरे को ये एक गिफ्ट मिला था, ये यहाँ पे रखा हुआ है। बाय द वे हम सोच रहे थे, मतलब ये भी सोच रहा था और मैं भी सोच रहा था कि बस अब मोटो व्लॉग बनाएंगे, बाहर जाके थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, बट अब क्या हो गया, टाइम या टाइम, तो अभी टाइम नहीं मिल पाया इसलिए। बाय द वे काफी सारे बंदे बोल रहे थे, जुन्नू भाई होम टूर कब आएगा, तो उसके लिए अभी टाइम लगने वाला है। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। बाय द वे कुछ दिखाया ही नहीं मैंने खास, पसंद क्या होगा, फिर से आपको इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे दिल्ली वापस जाने के बाद। हो सकता है मैं यहां से जब दिल्ली जाऊंगा तो मोटो व्लॉग करूं अच्छे तरीके से। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।